वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। मैं नेम इज गौरव। दोस्तों आप जानते ही हैं PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही लाइनमैन अप्रेंटिसशिप की कोई भी खबर आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो भाई देखो खुशखबरी यहां पर आ चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट ने उन बच्चों की लिस्ट निकाल दी है जो बच्चे यहां पर फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है। अब उन बच्चों को लिस्ट से कोई नहीं हटा सकता। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे जरूर बता देना कि सर हम जो है सिलेक्ट हो चुके हैं और इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो भाई देखो यहां पर किसी को जलने की जरूरत नहीं है, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी को जेलस फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला था कि हम जो है पहले पंजाब वालों को प्रेफरेंस देंगे और फिर जो है हम अदर स्टेट वालों को मौका देंगे। तो यार देखो ऑब्वियसली बात है कि जिनको यहां पर बोला था वही काम जो है इन्होंने किया है। तो यहां पर इन्होंने जनरल SC ST BC और हैंडीकैप वाले बच्चों के लिस्ट निकाल दिया है। तो टोटल आपको पता है 850 के आसपास वैकेंसीज निकली थी जिसमें से अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस की बात करूँ जो मैंने किया है 818 बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं बात करूँ तो कितने बच्चे अभी भी बचे हैं, 32 बच्चे अभी भी बचे हैं। अब ये 32 बच्चों को अदर स्टेट से बुलाएंगे या सेम स्टेट से बुलाएंगे अभी कोई भी खबर नहीं है। अगर आती है ऐसी खबर तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। बाकी अब मैं अदर स्टेट वालों से बोलूंगा कि प्लीज़ इससे अब उम्मीद हटा लो, आप लोगों को इसकी अब जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग किसी और डिपार्टमेंट में लग जाओ। अभी हाल ही में आपके लिए IOCL की वैकेंसीज आ रखी है, मैंने 3 वीडियोज ऊपर आपको दे रखी है तो आप ये वीडियो देख ले। इसमें ITI वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक में तो फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और एक में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और आज भी आपको एक IOCL की वीडियो मिलने वाली है। तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है यार, जिंदगी में हार जीत चलते रहती है लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को बस हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं। और बाकी अब देखो भाई अगर आपके स्टेट में निकलती, अगर मान लो MP में निकलती, दिल्ली में निकलती, गुजरात में निकलती, छत्तीसगढ़ में निकलती, हरियाणा में निकलती और आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाती तो आपके लिए यहाँ पर सिलेक्शन का चांस होता। इसी वजह से अब जो है इन्होंने पंजाब में निकाली थी PSPCL ने और अब जो है पंजाब वालों को मौका दिया। तो यार जिन बच्चों का यहाँ पर चांस लगा है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। और बाकी कोई अपडेट आती है फ्यूचर में तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी मैं अदर स्टेट वालों को यही बोलूंगा कि आप इसकी उम्मीद ना रखो क्योंकि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये एक और लिस्ट निकालें और अदर स्टेट वालों को बुलाएं। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आई प्रोमिस कि मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा और लिस्ट में अभी आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ये जो पाथ है। तो यहाँ पर जो है लिंक है बुक के, एक तो फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, डीजल मैकेनिक की, वेल्डर की, मशीनिस्ट की। तो बुक्स आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ई बुक्स है। और अगर आप PSPCL की तैयारी कर रहे हैं ना तो मैं आप लोगों को तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि वो बुक परचेस करके आप साथ साथ तैयारी करें। अगर आप 2 पेज भी एक दिन में पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बुक परचेस करते वक्त आप जो है न्यू NEW25 वाला कोड अप्लाई कर लेना जिससे कि आपको 25 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा बुक्स पर और आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। बुक आपके मैंने इतना प्राइस नहीं रखा हुआ है, 100 से नीचे ही है सारी बुक्स का प्राइस, 100 से बहुत ही नीचे है। तो जाकर आप परचेज़ करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पहले जो है मैं जनरल वालों की लिस्ट देख देता हूँ, एक ही लिस्ट देखते हैं। बाकी हैंडीकैप में तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत बहुत उस बच्चे को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, इतनों में से एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया गया। और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इनकी एक लिस्ट पर। तो ये जो है लिस्ट आप देख सकते हैं और इन्होंने साफ साफ देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। The final is subject to the registration by selected candidate on Government of India Apprenticeship Portal within 7 days from the declaration of final merits. Fail to get registered with the sole responsibility of candidate. तो ये जो है ये 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है डिपार्टमेंट में जाने का तो यहाँ पर प्रोसेस नहीं रखा लेकिन आपको apprenticeship.gov.in पर जो है अपना अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना और अगर कोई दिक्कत आती है आपको रजिस्ट्रेशन करने में तो मुझे बताना, मैं एक अलग से रजिस्ट्रेशन की वीडियो बना दूंगा। वैसे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं वो तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जानते ही हैं। बाकी बस ये जो लिस्ट है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया गया। बाकी आप देख सकते हैं सिर्फ पंजाब वाले ही बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चों का यहाँ पर नाम ही नहीं है। तो लिस्ट निकालिए, अपना यहाँ पर नाम देखिए और अपना जो नाम आपको नहीं दिखता तो ऊपर जो है आप सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपके फ़ोन में भी खुलेगा तो फ़ोन में आपको दिख जाएगा। और बस और कोई दिक्कत नहीं है।
और बाकी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और बाकी आप जो अप्रेंटिसशिप IOCL के आप उसके फॉर्म फिल करो। अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। और एक और बात, जो बुक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो सारी की सारी हिंदी में है, आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, आप उससे भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको टाइमली अपडेट देता रहता हूँ।